गाइस, अगर आप चाहते हैं मेरा वीडियो सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद फैजान अहमद। आज का टॉपिक है जावा इनपुट आउटपुट मेथड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनपुट मेथड का यूज इनपुट को प्रोसेस करने के लिए करते हैं, आउटपुट मेथड का यूज आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। जावा में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस फास्ट हों, इसके लिए स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रीम किसे कहते हैं? बाइट्स ऑफ डेटा को स्ट्रीम बोलते हैं। जिस तरह से पानी का स्ट्रीम होता है, जिसमें पानी कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है, सेम वे में इस स्ट्रीम में डेटा कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है। जावा में इनपुट आउटपुट के लिए 3 स्ट्रीम्स का यूज़ होता है। फर्स्ट वन इज सिस्टम डॉट आउट, सेकेंड वन इज सिस्टम डॉट इन, थर्ड वन इज सिस्टम डॉट ERR। आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट का यूज़ होता है। इनपुट को रीड करने के लिए सिस्टम डॉट इन का यूज़ होता है। एरर मैसेजेस को डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट ERR का यूज़ होता है। तो स्ट्रीम्स क्लियर हो गए। अब चलिए सिस्टम डॉट आउट से स्टार्ट करते हैं। जावा में सिस्टम डॉट आउट, इसके भी 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रिंट, सेकेंड वन इज़ प्रिंट ln या फिर प्रिंट लाइन, थर्ड वन इज़ प्रिंट एफ। क्लियर। तो सबसे पहले प्रिंट मेथड को देखते हैं। प्रिंट मेथड आउटपुट को सिंगल लाइन में प्रिंट करता है। फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हेलो सेमी कॉलन। तो इसका आउटपुट तो आपको पता है सिंगल लाइन में आएगा, लेकिन अगर आपने एक बार और इसको प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर वीवर सेमी कॉलन, तो इसका आउटपुट भी सिंगल लाइन में ही आएगा इस तरह से हेलो वीवर। क्लियर, यानी कि लाइन चेंज नहीं होगी। तो अगर आपको आउटपुट मल्टीपल लाइंस में चाहिए तो इसके लिए आपको प्रिंट ln का यूज़ करना होगा। प्रिंट ln आउटपुट को मल्टीपल लाइंस में प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वीवर। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एक लाइन में हेलो आएगा और दूसरी लाइन में वीवर आएगा इस तरह से। क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अगर इसमें ln ना यूज़ करते तो भी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो लाइन चेंज वैसे भी नहीं हो रही, जो लाइन चेंज हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, ठीक है। तो अगर इस ln को हटा दें इस तरह से तो भी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रिंट और प्रिंट ln क्लियर हो गए। अब चलिए प्रिंट एफ को देखते हैं। प्रिंट एफ ये एकदम सी लैंग्वेज जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, जैसे कि इसमें भी परसेंटाइल डी यूज़ होता है, परसेंटाइल एफ यूज़ होता है, परसेंटाइल सी यूज़ होता है। तो स्पेसिफायर्स जो हैं बाकी दो, यानी कि प्रिंट और प्रिंट ln में यूज़ नहीं होते, तो इसलिए हम प्रिंट और प्रिंट ln को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिंट एफ। प्रिंट एफ पर मेरा एक वीडियो लेक्चर आने वाला है जिसमें डिटेल में देखेंगे। तो ये थे आउटपुट और उसके मेथड्स। अब चलिए देखते हैं कि जावा में इनपुट कैसे लेते हैं। जावा में इनपुट लेने के लिए 3 क्लासेस का यूज़ होता है। फर्स्ट वन इज़ स्कैनर क्लास, सेकंड वन इज़ बफर रीडर क्लास, थर्ड वन इज़ कॉन्सोल क्लास। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में स्कैनर क्लास को कवर करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में बफर रीडर और कॉन्सोल क्लास को कवर करेंगे। स्कैनर क्लास सिर्फ कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, जबकि बफर रीडर कीबोर्ड और फाइल दोनों से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए जावा डॉट यूटिल पैकेज को इम्पोर्ट करना रहता है। क्लियर। तो स्कैनर क्लास में कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, जैसे नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन, इसका यूज़ स्ट्रिंग को रीड करने के लिए करते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है ये अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट इंट मेथड, इसका यूज़ इंटेजर को रीड करने के लिए करते हैं। इसी तरह से फ्लोट को रीड करने के लिए नेक्स्ट फ्लोट मेथड का यूज़ करते हैं, और डबल को रीड करने के लिए नेक्स्ट डबल मेथड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से बूलियन को रीड करने के लिए नेक्स्ट बूलियन का यूज़ करते हैं, शॉर्ट को रीड करने के लिए नेक्स्ट शॉर्ट का, लॉन्ग को रीड करने के लिए नेक्स्ट लॉन्ग मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये मेथड्स क्लियर हो गए। अब इन मेथड्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको कंस्ट्रक्टर क्लियर हो जाएंगे
और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो क्लास नेम है स्कैनर, एससी जो है ये ऑब्जेक्ट नेम है, इक्वल टू न्यू, न्यू कीवर्ड है, और उसके बाद क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अब इन मेथड्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे एससी डॉट नेक्स्ट, इसी तरह से एससी डॉट नेक्स्ट इंट, इसी तरह से एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट और एससी डॉट नेक्स्ट डबल। तो ये मेथड को एक्सेस करना समझ आ गया। अब यूजर से जो इनपुट लेंगे उसको रीड कैसे करेंगे, उस इनपुट को रीड करने के लिए हमको स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन की जरूरत होगी। तो सिस्टम डॉट इन को इस कंस्ट्रक्टर के अंदर रखेंगे इस तरह से, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकॉलन, क्लियर। तो ये स्कैनर क्लास कंप्लीट हो गया। अब चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें स्कैनर क्लास का यूज देखेंगे। तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए जावा डॉट यूटिल पैकेज को इम्पोर्ट करना है इस तरह से, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकॉलन। अगर आप जावा डॉट यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस को इम्पोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकॉलन। इस एस्ट्रिक का यूज करने से यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस इम्पोर्ट हो जाएंगी। इसके बाद क्लास एम्प्लॉय कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया। अब स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे इस तरह से, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकॉलन। ये स्कैनर क्लास नेम है, ये एस सी ऑब्जेक्ट नेम है, न्यू कीवर्ड है, ये स्कैनर कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सिस्टम डॉट इन को पास किया है। अब एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर आई डी सेमीकॉलन। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यूजर को पता चले कि उसको आई डी इंटर करनी है। तो अब जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उस वैल्यू को स्टोर करना है, तो इसके लिए वेरिएबल का यूज करना होगा। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई डी नाम का, जिसका डेटा टाइप इंट है, इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट सेमीकॉलन। तो ये नेक्स्ट इंट मेथड को एक्सेस कर रहे हैं बाय एस सी ऑब्जेक्ट नेम, क्लियर। तो यूजर जो भी इंटीजर इनपुट देगा वो इंटीजर स्टोर होगा इस आई डी वेरिएबल में। तो ये प्रोग्राम ऐसे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आप आई डी को प्रिंट करना चाहते हो तो इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इन्वर्टेड कोर्स के अंदर यू एंटर्ड इन्वर्टेड कोर्स क्लोज किया प्लस आई डी सेमीकॉलन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो ये प्रोग्राम है जो अभी डिस्कस किया था। अब चलिए इसको कंपाइल करके रन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट इस सीक्वेंस में आना चाहिए, सबसे पहले इंटर आई डी ये डिस्प्ले होना चाहिए, देन यूजर वैल्यू इनपुट करे और उसके बाद यू इंटर्ड ये डिस्प्ले होना चाहिए, इक्वल टू जो वैल्यू यूजर ने इनपुट की है वो भी, क्लियर। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आया है इंटर आई डी, यूजर वैल्यू इनपुट कर रहे हैं 103, देन इंटर यू इंटर्ड इक्वल टू 103। तो ये प्रोग्राम समझ आ गया। अब चलिए नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट लाइन मेथड में डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट मेथड सिंगल वर्ड को रीड करने के लिए ही यूज होता है, क्योंकि जैसे ही स्पेस रीड होता है वैसे ही ये टर्मिनेट हो जाता है। इसका एस्केप सीक्वेंस जो है वो स्पेस है। नेक्स्ट लाइन मेथड एक लाइन में जितने भी वर्ड्स हों सबको रीड करता है, लेकिन लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका स्पेस सीक्वेंस इंटर है, क्लियर। तो डिफरेंस समझ आ गया नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड में। अब एक प्रोग्राम देखते हैं जिससे नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस प्रोग्राम में नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट लाइन मेथड में डिफरेंस देखेंगे। प्रोग्राम सेम है, सिर्फ यहाँ पर इंटर नेम किया है और उसके बाद स्ट्रिंग यूज की है, एक वेरिएबल लिया है नेम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट मेथड और उसके बाद प्रिंट किया है यू एंटर्ड इक्वल टू प्लस नेम सेमीकॉलन। तो अब इसको कंपाइल करके रन करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। इंटर नेम, तो मैं यहाँ पे यूजर वैल्यू दे रहा हूँ, सैयद फैजान अहमद। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा इसमें सिर्फ सैयद प्रिंट होगा, फैजान अहमद प्रिंट नहीं होगा इस तरह से। क्यों?
क्योंकि नेक्स्ट मेथड में जैसे ही स्पेस रीड होता है वैसे ही वो टर्मिनेट हो जाता है। तो अगर मुझे पूरा प्रिंट कराना है तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज करना होगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट की जगह पर नेक्स्ट लाइन कर दे रहा हूँ, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा। अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। इंटर नेम, मैं फिर से नेम इंटर कर रहा हूँ, सैयद फैजान अहमद। और अब की जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो पूरा नाम मेरा प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हैं आप, यू इंटर्ड इक्वल टू सैयद फैजान अहमद। क्लियर, ये डिफरेंस है नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट लाइन मेथड में। सो गाइस, ये था इनपुट आउटपुट मेथड्स इन जावा। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।